अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मसूर दाल से बनने वाला बहुत ही अच्छा सा नाश्ता। एक बार बना लेंगे ना तो आप बार बार बना के खाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। मैं हूँ रेशम, इस स्पाइसी टेस्ट में आप सबका बहुत सारा वेलकम। यहाँ मैंने लिया है 1 कप मसूर दाल और इसे मैंने 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। चलिए अब इसे हम पीस लेते हैं। ज़्यादा बारीक मत पीसिएगा, इसे हल्का सा दरदराई पीसिएगा। ये देखिए मैंने इस तरीके से इसे पीस लिया है। चलिए इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, 2 से 3 डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, फ्रेश हरा धनिया डालेंगे, 1/2 टीस्पून डालेंगे नमक, 1/2 टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून डालेंगे इसमें गरम मसाला और 1/2 टीस्पून डालेंगे लहसुन का पेस्ट। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसे मिला लीजिए। आप इसे हाथ की हेल्प से भी अच्छे तरीके से मिला सकते हैं। आपने एक बार बना लिया ना इसे तो आप बार बार बना के खाएंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने इसे मिला लिया है। चलिए अब एक पैन में डालते हैं 4 बड़े चम्मच ऑयल और ऑयल को ना अच्छे तरीके से गर्म कर लीजिए। बिल्कुल अच्छे तरीके से ऑयल को गर्म कर लीजिए। जब ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो जाए, इसमें हम ऐसे छोटी छोटी टिक्की बना के इस तरीके से रख लेंगे। ये देखिए इस तरीके से छोटी छोटी सी ना टिक्की बनाइए और इसे शैलो फ्राई कर लीजिए और गैस का फ्लेम मीडियम रखिएगा। हाई फ्लेम पे इसे फ्राई मत कीजिएगा। अगर आप हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करते हैं तो इसका कलर बहुत ही जल्दी चेंज हो जाएगा, लेकिन ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसलिए इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई कीजिए और डालते ही मत पलटिएगा। जब नीचे से थोड़ा ये थोड़ा सिक जाए उसके बाद ही पलटिएगा। ये देखिए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब इसे हम पलट लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से अच्छे तरीके से पलट लीजिए और इसे ना अच्छी तरीके से सिकने दीजिए जब तक ये थोड़ा क्रिस्पी ना हो जाए। तो इसे दोनों साइड से ऐसे पलटते हुए अच्छी तरीके से सेक लीजिए। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप यकीन मानिए, आप एक बार बनाएंगे ना तो आप बार बार इसे बना के खाएंगे। ये देखिए बिल्कुल दोनों साइड से बिल्कुल अच्छे तरीके से इसे सेक लेना है। तो ये थोड़ा इसे थोड़ा दबा दबा के थोड़ा क्रिस्पी कर लीजिए और अच्छी तरीके से इसे सेक लीजिए। चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।